मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ छतरपुर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। खबरों में कहा गया है कि हादसा जिस एसयूवी से हुआ वो बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विधायक भतीजे राहुल सिंह लोधी की है। राहुल सिंह लोधी खरगापुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी अपनी एसयूवी से जा रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारते हुए मौके से भाग गए। इसमें बाइक सवार ब्रजेंद्र और रवि की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरे व्यक्ति मदन की झांसी ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घटनास्थल से विधायक के भाग जाने से नाराज ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। गाड़ी चला रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, नाम दादी नहीं का। अरे कैसे नहीं का, कौन लोन जाना को नहीं। गाड़ी कौन चला रहा है? तीन ही मार गए। गाड़ी कौन चला रहा था? अरे सेम चला रहे थे गाड़ी पे। कौन चला रहा था? राहुल लोधी। राहुल लोधी आपने कहा? विधायक जी। टीकमगढ़ पुलिस ने एसयूवी को कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि हादसे के समय कार में विधायक राहुल सिंह लोधी सवार थे या फिर नहीं। वह इस मामले पर विधायक गाड़ी में खुद के न होने का दावा कर रहे हैं। मेरे को बाद में जब समाचार मिला, मैं तो फुटेल ग्राउंड था, सुबह से आज मैं फुटेल पहुंच गया, कार्यक्रम लगी थी बहुत सारे, तो मेरा मैंने अपनी गाड़ी बाद में बुलाई वहाँ, तो मेरे ड्राइवर ने मेरे को बताया कि खपावनी के सामने मंदिर के सामने मुझे आ रहा था टीकमगढ़ से, तो दो ऑटो और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, तो बचते हुए नीचे पटरी से गाड़ी उतारते हुए और वो आगे आ गया, फुटेल आ गया मेरे पास। रास्ते में उसने मेरे को फ़ोन भी किया कि ऐसी घटना हुई, तो मैंने खुद पीआई को फ़ोन किया और मेरे को बड़ी संवेदना है उन परिवारों के साथ, क्योंकि मेरी विधानसभा है, वहाँ के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, मैं बहुत दुखी हूँ दुर्घटना के कारण, और मैं इसलिए भी बहुत दुखी हूँ कि मेरा ही नाम आ रहा है उसमें, जबकि मैं तो कुटेर में था, मेरा कोई मतलब ही नहीं था। अब पता नहीं मेरे को किस उससे फंसाया जा रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है अभी, पूरे केस की जानकारी। आपकी गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है ऑटो और बाइक के बीच। आपके ऊपर मामला दर्ज किया है? वो बहुत गलत मामला दर्ज, अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, उसकी जांच करवाने के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गया। विधायक राहुल लोधी के मना करने के बाद वहां के ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यूज डेस्क।